और फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। कोटा में कोरोना की भेंट चढ़ा है। इस बार भी ऐतिहासिक दशहरा मेला, इस बार भी दशहरे का मेला नहीं होगा। जी हां, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने फैसला ले लिया है, प्रतीकात्मक तरीके से रावण दहन होगा और 72 फीट से ज्यादा ऊंचा बनने वाला रावण का पुतला मात्र 15 फीट रहेगा। इस बार भी आतिशबाजी भी इको फ्रेंडली होगी। फतेहपुर सीकरी के कारीगर रावण के इस पुतले को बनाएंगे। तो लगातार 2 साल से कोरोना की भेंट चढ़ता हुआ दशहरा मेला इस बार भी नहीं भरेगा। देखिए, 72 फीट से ज्यादा ऊंचा रावण वहां बनता था और लोग वहां पर इस मेले वाले दिन उमड़ते थे यहां पर, लेकिन अब भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भीड़ झुकने पर रोक लगाई गई है। अधिक अपडेट के साथ कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, देखिए, लगातार 2रा साल ये रहेगा जब कोरोना का दंश झेलते हुए तीसरी संभावित लहर को देखते हुए दशहरे का मेला इस बार नहीं हो पाएगा वहां पर, जो कि काफी ऐतिहासिक रहा है पहले अपने समय पर। किस तरीके से प्रशासन ने फैसला लिया और अब प्रतीकात्मक तरीके से क्या कार्यक्रम रखा जाएगा, बताएं। जयती, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दशहरा मेला तो नहीं भरेगा, लेकिन दशहरे का प्रतीक रूप से रावण दहन जरूर होगा। जी, दशहरे के लिए एक बार फिर से फतेहपुर सीकरी के ही कारीगरों को रावण का कुनबा बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हाँ। साथ ही दशहरे पर निगम की ओर से इको फ्रेंडली आतिशबाजी भी की जाएगी। दशहरे के 1 माह से भी कम समय बचा है अभी फिलहाल और 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। इस बार मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन के चलते, लेकिन दशहरे का परंपरा का निर्वहन जरूर किया जाएगा। नगर निगम की ओर से पिछले साल की तरह इस बार भी दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा, लेकिन उसमें आम जन की भागीदारी बिल्कुल नहीं होगी। राष्ट्रीय दशहरे मेले पर जहां हमेशा 72 फीट से अधिक का रावण का पुतला बनाया जाता था और 60 फुट से ज्यादा का कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते थे, पूरे देश में और विदेशों में प्रसिद्ध था कोटा का दशहरा, वो इस बार इतने बड़े ये पुतले नजर नहीं आएंगे, लेकिन पिछली बार की तरह इनका आकार छोटा ही रहेगा। दशहरे पर पिछले कई सालों से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बना रहे फतेहपुर सीकरी के जो कारीगर हैं नई मोहम्मद, वही इस बार पुतले बनाएंगे। हालांकि बीच के सालों में पुतले बनाने का काम दिल्ली के कारीगरों को भी दे दिया गया था, लेकिन इस बार जो टेंडर है वो उनको दिया गया है, जिसमें 2 फर्मों ने भाग लिया है, एक फतेहपुर सीकरी की है, दूसरी कोटा की फर्म थी, लेकिन तकनीकी और वित्तीय बिड खोलने के बाद में फतेहपुर सीकरी के जो नईमुद्दीन है उनको टेंडर फाइनल हुआ है। निगम के अनुसार, सूत्रों के अनुसार जो बात हुई है, तो वो रावण का पुतला 15 फीट का बनेगा, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 10-10 फीट के होंगे, जिनकी लागत करीब 1.25 लाख रुपए होगी। जी, निगम ने टेंडर तो फाइनल कर दिए हैं, 1-2 दिन में कार्यादेश जारी होने के साथ ही पुतले का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और निगम के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दशहरे मेले के अवसर पर आतिशबाजी तो होगी, मतलब बहुत विशाल आतिशबाजी हमेशा होती रही दशहरे मेले में, तो वो आतिशबाजी तो होगी, लेकिन इस बार पटाखे वाली नहीं होकर इको फ्रेंडली होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी ज्यादा की जाएगी। निगम ने इसके लिए भी टेंडर जारी किए हैं, जिस पर करीब 30,000 रुपए का अनुमानित खर्च है। जी प्रणय, इसके अलावा अगर कार्यक्रम के वेन्यू की मैं बात करूं तो वेन्यू क्या सेम ही रहेगा जो कि हमेशा हर बार होता आया है, या फिर छोटा कार्यक्रम है, प्रतीकात्मक है, इस वजह से वेन्यू भी चेंज किया जाएगा? नहीं, जो प्रतीकात्मक रूप से जो कार्यक्रम होगा वो दशहरा मेले के लिए एक दशहरा ग्राउंड है कोटा में, विख्यात है पूरे दशहरा ग्राउंड यहाँ का, उसी पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। उसी तरीके से जो महाराज कुमार इजराज सिंह हैं जो यहाँ पे, वो रावण की नाभि में तीर चलाकर पूरी परंपरा उसका वध करेंगे और उसके बाद दहन शुरू होगा, मतलब परंपराएं तो पूरी तरीके से निभाई जाएंगी, सब निभाई जाएंगी, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से होंगी। चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।